पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें आप रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हैं तो क्या हो। देखिए मैंने इसमें सारा पानी पानी कर दिया इसे। कितनी बिजली पीती है। S1 को S1 प्रो पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Hello guys, welcome to our vlogging channel Neemboo Tez. जैसे कि मैंने हमारी पिछली वीडियो में आपको वादा किया था, मैं बताऊंगा आपको हमारे सारे फीचर्स ओला S1 के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी माइन्यूट डिटेल्स ओला S1 की, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ये वीडियो। आप स्किप करेंगे तो हो सकता है आप मिस कर दे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके बटन्स की। ये है हमारा पावर ऑन और ऑफ का बटन, यहाँ से हमारी स्कूटी स्टार्ट होती है और ऑफ होती है। ये है हमारा मोड चेंजिंग का बटन, जिसमें हम नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड, हाइपर मोड पे कर सकते हैं। ये है हमारा बटन जिससे हम जो हमारा म्यूज़िक है उसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, और इससे हम उसकी वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं। इस बटन से हमारा म्यूज़िक प्ले और पॉज होता है। इन दोनों बटनों से ही हम अपनी कॉल्स को रिजेक्ट और उठा भी सकते हैं। अगर हम इसके लेफ्ट साइड पैनल पे आते हैं, जो पहला बटन आप देख रहे हैं ये इसकी लाइट का बटन है, लो बीम, हाई बीम। सेकेंड बटन जो है ये रिवर्स मोड का बटन है, इससे स्कूटी रिवर्स मोड पर चलने लगती है। नीचे आप ये दो बटन देख रहे हैं, ये इंडिकेटर्स के बटन है, लेफ्ट इंडिकेटर एंड राइट इंडिकेटर। और नीचे है हमारा हॉर्न। ये तो हो गई इसके बटन्स की बात, अब हम चलते हैं इसकी बॉडी की तरफ। तो ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं ये एक हैंगिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप अपना कुछ सामान रखते हैं अगर आप फुट मैट पे, तो यहाँ पे इसको हैंग कर सकते हैं। ये है हमारा USB चार्जर जिसके थ्रू हम अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दो स्पीकर्स दिए हुए हैं म्यूज़िक के लिए, और इनके पीछे आप एक स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपना फ़ोन या कोई वॉलेट वगैरह कुछ भी आप रख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके सीट कवर की, तो इसका सीट कवर बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी का है। और पीछे जो है इसका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप S1 Pro का एक लोगो भी है, और ये हल्का सा पुश करके ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पे इन्होंने एक रबर मैट दिया हुआ है जिससे पानी ना जाए, और इसकी चार्जिंग पॉइंट की सेफ्टी के लिए। ये नॉर्मल आपका 5 एम्पियर के पॉइंट पे चार्ज हो जाती है। ये छोटी सी बैक लाइट है, को अगर आप जब इसकी लाइट्स ऑन करते हैं तो नंबर प्लेट पे लाइट पड़ती है इसकी। यहाँ पे ना एक स्टिकर लगा हुआ था जो कि मैंने फाड़ दिया, इसलिए देखने में ना थोड़ा सा गंदा लग रहा है, बट इसको आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये स्टार्ट कैसे होती है। जब इसके हैंडल लॉक है तो आप एक बार 1 सेकंड के लिए पावर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और यहाँ पे एक पासवर्ड आ जाएगा। आपको अपना जो सेट पासवर्ड है वो डालना है यहाँ पे। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला मेरी स्क्रीन ऑन हो गई, यहाँ पे हमारा वेलकम मैसेज आ गया है। और ये P जो दिखा रहा है इसका मतलब है कि हमारी स्कूटी अभी पार्किंग मोड पे है। ये 0 किलोमीटर जो दिखा रहा है ये आपकी रनिंग है जब आप स्कूटी को ऑन करते हैं, टिल द टाइम यू गेट इट ऑफ। ये किलोमीटर की रीडिंग्स दिखाता है आपकी स्कूटी कितनी रन करी है। इसके नीचे आप देख सकते हैं 287 किलोमीटर अभी तक मैं इसको चला चुका हूँ। ये प्ले म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारी इसकी डिक्की भी स्क्रीन से ही खुलती है, सब फंक्शंस इसके स्क्रीन से ही होते हैं। छोटा सा आप जो ऑप्शन देख रहे हैं हमारी डिक्की खोलने का, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे लिखा आता है ट्रंक ओपन, मतलब हमारी डिक्की खुल गई है। डिक्की को बंद करूँगा तो लिखा आएगा ट्रंक क्लोज्ड। ये छोटा सा ऑप्शन आपको दिख रहा है साइड स्टैंड का है कि हमारा साइड स्टैंड अभी लगा हुआ है, जब हम साइड स्टैंड हटा देंगे तो ये ऑप्शन हमारा बंद हो जाएगा। अगर मैं इसको हल्का सा राइट पे क्लिक करता हूँ तो हमारी सेटिंग्स आ जाती हैं, जिसपे कि हमारी ये डिस्प्ले सेटिंग्स हैं। इस पे मैं जाता हूँ तो हमारी डार्क मोड और लाइट मोड की दो थीम्स हैं फिलहाल एट प्रेजेंट हमारे पास। अगर मैं लाइट मोड में डार्क मोड में करता हूँ तो आप ये स्क्रीन देखिए चेंज हो जाती है, और लाइट मोड में ये स्क्रीन चेंज हो जाती है। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है पासकोड का, यहाँ पे जाके आप अपना जो करंट पासवर्ड है वो डाल के अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड अबाउट ऑप्शन में हमारी सारी डिटेल्स आ जाती हैं ओला स्कूटर के बारे में। फोर्थ ऑप्शन आता है साउंड्स का, यहाँ से आप अपने स्पीकर्स की वॉल्यूम कम या भर्ती कर सकते हैं म्यूज़िक प्ले करने के लिए। इसके बाद हमारा आता है ब्लूटूथ का ऑप्शन, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लास्ट ऑप्शन हमारा आता है सिस्टम अपडेट, अभी एट प्रेजेंट दिखा रहा है और स्कूटर इज़ अप टू डेट,
स्कूटर की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसके अंदर खुद एक 4G कनेक्टिविटी है, यानी ये स्कूटर आपका ऑलरेडी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो जो भी अपडेट्स इसके आएंगे ऑन द एयर वो ऑटोमेटिकली इसमें शो हो जाएगा और आप अपडेट कर सकते हैं इसको। मेरा कहने का शॉर्ट मतलब ये है कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम को अपडेट करने के लिए, इसके रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे और वो आपको इस ऑप्शन में सिस्टम अपडेट के यहाँ पर दिख जाएंगे। जब भी ये कोई नया अपडेट आएगा वो आपको सिस्टम अपडेट के ऑप्शन में दिख जाएगा। अभी हमारी स्कूटी पार्किंग स्टेट पे है और साइड स्टैंड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, और अगर मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा तो एक एरर मैसेज शो करेगा, क्लोज पार्किंग स्टैंड टू राइट। जब तक आप अपना स्टैंड नहीं हटाएंगे आपकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। अब हमने अपना साइड स्टैंड हटा दिया है और स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेक को होल्ड करके रखेंगे और इसको एक सेकंड के लिए पावर बटन दबाएंगे। जैसे आप इसका पावर बटन पुश करेंगे ये देखिए 0-0 आ गया, इसका मतलब हमारी स्कूटी अब राइड करने के लिए रेडी है, और आप एक्सीलेटर देंगे तो ये चल पड़ेगी। ये रिवर्स का बटन दबाते ही हमारे यहाँ पे एक रिवर्स की नोटिफिकेशन आ जाती है। अब आप अपनी स्कूटी को रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी स्कूटी को स्ट्राइट स्टैंड पे लगा के एक मिनट के लिए ऐसे आइडल छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक मिनट बाद अपने आप ही लॉक हो जाएगी। अभी हमारे ओला स्कूटर में म्यूजिक का ऑप्शन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी ये नहीं आया है। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ब्लूटूथ का जो मैंने आपको बताया था ये अपडेट इसमें नहीं आया है। जो मेरी कंपनी में बात हुई है उसके अकॉर्डिंग मार्च तक हमारा GPS का अपडेट और बाकी अपडेट्स भी धीरे धीरे आ जाएंगे। और एक फीचर आपको इसका पता होगा, जैसे कि आपने और भी वीडियोस में देखा होगा, फ़ोन से कनेक्टिविटी, कि हमारा ओला स्कूटर फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, बट वो भी अपडेट अभी एट प्रेजेंट नहीं आया है। बट वो उम्मीद है जून तक हमें वो अपडेट भी मिल जाएगा और हमारा स्कूटर फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इसकी बूट स्पेस, कितनी बड़ी है। ये है इसका चार्जर जो कि एक बैग में आता है, इसको बैग में मैंने रैप करके कोने में रखा हुआ है, बट इसके बाद भी हमारे पास काफ़ी स्पेस बच जाती है इसमें सामान रखने के लिए, आप इसमें काफ़ी कुछ रख सकते हैं आराम से, तो स्पेस की इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है ओला का चार्जर और ये है इसका कनेक्टिंग प्लग। इस प्लग को हम यहाँ पे ओपन करके इसका बैक कवर, ये रबड़ मैट हटा के इसको हम पुश करके ऐसे अंदर लगा दे, बहुत आराम से कनेक्ट हो जाता है। चलिए मैंने आपको पासवर्ड के बारे में तो बता दिया कि ये स्कूटी कीलेस है, पासवर्ड से स्टार्ट होती है, बट दो क्वेश्चंस जो आपके मन में शायद आ सकते हैं, जो मेरे मन में आए थे, वो क्या कि अगर मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो क्या होगा, और अगर मैं पासवर्ड भूल गया तब तो क्या ही होगा। पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें आप रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो क्या होता है। अब मैं इसमें रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो देखिए क्या लिखा आता है, रॉन्ग पासकोड 4 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग। अगर आपकी स्कूटी बाहर खड़ी है और कोई गलत पासवर्ड डाल रहा है इसमें, तो 5 बार गलत पासवर्ड डालने के बाद आपकी स्कूटी 5 मिनट्स के लिए लॉक हो जाएगी और 5 मिनट्स बाद ही ये दोबारा पासवर्ड एक्सेप्ट करेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या होगा। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या करना है आपको, इसका कस्टमर केयर नंबर है जो कि इसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आपको उसको कॉल करनी है कस्टमर केयर पे, और जो इसकी बिल की डिटेल्स आई होंगी वो बिल डिटेल्स आपको मेल करनी है कस्टमर केयर पे, तो कस्टमर केयर वाले आपकी स्कूटी को वहाँ से ही अनलॉक करेंगे। अगर मैं बोलूँ तो बहुत अच्छा फीचर भी है, क्योंकि बहुत मुश्किल है स्कूटी को चलाना, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपकी मोबाइल ऐप में ही अपडेट्स आ जाएं जो आप इसको अनलॉक कर सके वहाँ से, और आपको कस्टमर केयर कॉल करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए अब हम एक किसका करते हैं वाटर टेस्ट। देखिए मैंने इसमें सारा पानी कर दिया इसे। वैसे तो इसकी स्क्रीन वाटर प्रूफ है, बिल्कुल कोई इशू नहीं आता, स्क्रीन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, पानी भी आप देखिए बिल्कुल डालते ही नीचे चला गया, लेकिन हाँ अगर बारिश आ रही है और रेगुलर इस पर पानी गिर रहा है और मैं फिर इसके टच को ऑपरेट करता हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा लैग करता है, थोड़ा सा इश्यू आता है, बट वो कोई बहुत मेजर इश्यू नहीं है। आप चाहें तो इसको एक कपड़े से साफ़ करके चला सकते हैं। अभी देखिए मैंने दोबारा आपको पानी डाल के दिखाता हूँ, ये देखिए पानी इसके ऊपर टिकता नहीं है, बिल्कुल ये फ्लो होके नीचे चला जाता है। जो इसके स्पीकर्स हैं ये भी वाटर प्रूफ है, इसको मैंने अच्छे से 2 बार पानी से धोया था, मेरे को लगा कि शायद इशू आ सकता है, बट नहीं, स्पीकर्स में कोई इशू नहीं आया। एक आपको शायद दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये देखिए जो अंदर ये जगह है इसमें अगर पानी चला जाता है क्या ये भर जाएगा। मैंने इसमें पानी डाला था बट ये भरा नहीं, शायद इसके नीचे कुछ होल्स हैं वहाँ से निकल गया, या फिर आप ये जो माइन्यूट सी जगह देख रहे हैं ये गैप है, यहाँ से पानी बाहर निकल आता है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें भी पानी आपका कभी भरेगा नहीं। एक और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन, भाई पेट्रोल तो नहीं पीती है ये, पर बिजली तो पीती है ना, कितनी बिजली पीती है ये?
मैंने इसको टेस्ट किया था तो 0 to 100% इसने सिर्फ 3 यूनिट्स ली है। जी हाँ, सिर्फ 3 यूनिट्स, और 3 यूनिट्स में मेरी हो गई है ये फुल चार्ज। अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो 7 रुपये यूनिट है मेरे यहाँ, और 7 × 3 = 21, अराउंड 20 to 21 रुपीज की बिजली में मेरी 80 किलोमीटर की रनिंग दे रही है मेरी ओला S1। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार ग्रेट सौदा। मैंने जो स्कूटी ली है वो ओला S1 है, पर अगर आप चाहें तो ओला S1 को S1 Pro पे अपग्रेड भी कर सकते हैं। आपको पे करने होंगे 30,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और आपके जो इसमें फीचर्स हैं S1 Pro के वो अनलॉक हो जाएंगे और आपकी S1 बन जाएगी S1 Pro। ओला S1 ने अभी तक मुझे दी है 80 किलोमीटर की रेंज राइडर और पिलियन राइडर के साथ। बहुत अच्छी रेंज है ये अगर मैं मानूँ तो, क्योंकि सिंगल राइडर के साथ मुझे ये अराउंड दे सकती है 90 किलोमीटर प्लस की रेंज। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो आप देख सकते हैं 92 किलोमीटर पर आर पे मैंने अभी तक चलाई है। ये मैंने अभी तक मैक्सिमम चलाई है, बट ये इससे ऊपर भी जा रही थी तो मेरे को मौका नहीं मिला इससे ऊपर ले जाने का। तो आप देख सकते हैं जो 90 इन्होंने क्लेम करी है S1 की, बट 92 मैंने खुद चलाई है विद 2 राइडर्स। अगर मैं बात करूं इसकी बॉडी की बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये प्लास्टिक जो इसमें यूज़ हुआ है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, और एक डिटेलिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जितने भी बोल्ट्स इसमें लगे हैं सारे एलंकी के बोल्ट्स हैं, यहाँ पर भी, और देखिए टायर्स पे भी। तो दोस्तों, ये था रिव्यू मेरा अभी तक ओला S1 के बारे में। बाकी आपके मन में अगर अब भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा उनका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का।